हे गाइस, स्वागत है आपका सोल लैंड एपिसोड 23 एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहाँ शुरू में देखने को मिलता है क्लास 2 ईयर 1 का डाया हुआ बिन जो 1000 ईयर का स्प्रिट बीस्ट को चूज करता है चैलेंज के लिए, एंड तुरंत उस बीस्ट को देखने को मिलता है जो सुटते ही डाया हुआ बिन पर अटैक करते हैं। बट वो फास्ट सोल टेक्निक व्हाइट टाइगर शील्ड बॉडी बैरियर यूज करके उसे रोकता है और वज्र बॉडी में ट्रांसफर होके बीस्ट से फाइट करता है। तभी बीस्ट किंग रिएक्ट करता है, व्हाइट टाइगर का मार्शल सोल किंग ऑफ मार्शल सोल है। तभी फिर से फाइट देखने को मिलता है जब बीस्ट किंग फिर से कहता है व्हाइट टाइगर डाया हुआ बिन से ज्यादा तेज है। तभी व्हाइट टाइगर का फुर्तीला अंदाज देखने को मिलता है, वो बहुत तेजी से डाया हुआ बिन पर बहुत सारा अटैक करता है, पर डाया हुआ बिन पागलों की तरह हंसने लगते हैं। जब बीस्ट किंग भी परेशान होके कहता है ये आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन तभी मौका देख के डाया हुआ बिन सीधा व्हाइट टाइगर को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसे मारना शुरू करते हैं। इवन वहां के सारे लोग वो देख के शॉक्ड होता है, एंड बीस्ट किंग रियलाइज करता है डाया हुआ बिन बीस्ट को मारना चाहता है। तभी डाया हुआ बिन सेकंड सोल टेक्निक व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइट वेव का यूज करके व्हाइट टाइगर का जॉ पकड़ लेता है, एंड दूसरी तरफ बीस्ट किंग चिल्ला के उसे स्टॉप होने कहता है, बट वो बीस्ट को मार के उसका खून अपने हाथों पे लगा ही लेता है, जिसे सब और शॉक्ड होता है। तभी बीस्ट किंग उसके बीस्ट के बॉडी के पास आके डाया हुआ बिन पर गुस्सा होता है, जहां डाया हुआ बिन कहता है एक सोल मास्टर के लिए लाइफ और डेथ मैटर नहीं करता जब वो सोल बीस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हो। और वो आगे कहता है मैं लड़ रहा था अपने क्लास के लिए और मुझे वांग को हराना था पूरा 40 पॉइंट के साथ, सो मैं आपका कॉस्ट चुका दूंगा। जहां किंग उस पर फिर से गुस्सा होने लगते हैं, जहां डियान किंग को रोकता है और रुकने कहता है क्योंकि डाया हुआ बिन उसके जगह करेक्ट है और बोलता है पॉइंट्स देने का बारी है। और जहां 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट को हराने के लिए उसे 100 पॉइंट दिया जाते हैं और रॉ फाइटिंग स्टाइल के लिए 45 यानी उसे 145 पॉइंट दिया जाता है एक वार्निंग के साथ, अगर वो 10 दिन के अंदर जो लॉस किया बीस्ट को मार के उसका भरपाई ना करे तो उसे कोर डिसाइपल से हटा दिया जाएगा। और वो हामी भरते हैं एक एविल स्माइल के साथ जो आप देख सकते हो, एंड सभी खुश होता है, यानी टीम डाया हुआ बिन बहुत ही खुश होता है। एंड टीम डाया हुआ बिन का कहना है उनका पॉइंट्स हमसे कम होगा, यानी टीम योहाओ का पॉइंट्स उनसे कम होगा और योहाओ का फाइट बचा हुआ है और वो हारेगा, सो माफी जब मांगेगा तो मजा आएगा, ये सोच के वो लोग काफी खुश होता है। जब वांग एंड शाओहाओ डिस्कस करते हैं कि उन्हें जीतने के लिए योहाओ को पूरा 150 पॉइंट लाना होगा, एंड योहाओ को बुलाया जाता है मैदान में। तभी कियान डियान यान को कहता है मार्शल सोल का स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही भागी नहीं है, जहां डियान यान कहता है डाया हुआ बिन थोड़ा सर पिरा है बट ट्रैक का मोटिव भी है मॉन्स्टर बनाना, एंड कहता है उसके पास स्ट्रॉन्ग कल्टिवेशन बेस है, अच्छे गाइडेंस के साथ वो ग्रेट सक्सेस अचीव कर सकता है। जहां कियान आके कहता है तुम सच में उसे एडमायर करते हो, तो फिर मैं योहाओ को ट्रेन करता हूँ, तुम डाया हुआ बिन को करो, जहां पे सब खुश रहेगा। जहां यान कहता है ओल्ड मैन कियान चीजें ऐसे काम नहीं करता, एंड बोलता है डाया हुआ बिन मार्शल सोल डिपार्टमेंट का कोर स्टूडेंट है और योहाओ को भी मार्शल सोल डिपार्टमेंट रख सकता है भाई, जिसे कियान का जलता है और वो अपने कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। एंड उसके बाद बीस्ट किंग योहाओ को एज के साथ एक बीस्ट सेलेक्ट करने कहते हैं और उसे एक कंडीशन देता है कि इस बार वो बीस्ट को चांस से नहीं मार सकते हैं। तभी योहाओ चूज करता है 1000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट वांग एंड डाया हुआ बिन का तरह, जो देख के टीम डाया हुआ बिन अलग ही सोच में, और साथ ही उनके टीचर भी, जो टीचर जो उसे कहती है ये बच्चा खुद को क्या समझता है 10 ईयर रिंग के साथ, जहाँ टीचर जो सवाल करते हैं और कह के क्या 10 ईयर सोल रिंग 1,00,000 ईयर सोल बीस्ट का ऑरा स्टिमुलेट कर पाएगा। और तभी फ्लेम लायन बाहर आता है, एंड योहाओ के मुंह से एक ही बात निकलता है कि वो डाया हुआ बिन से हार नहीं सकता। तभी फ्लेम लायन तेजी से उनके तरफ बढ़ने लगते हैं और योहाओ भी आइस एम्प्रेस का पावर यूज करना शुरू करते हैं, जब फ्लेम लायन आके अटैक करता है और वहां एक ब्लास्ट होता है, जो देख के टीम योहाओ से नाखुश लोग तो बहुत खुशियां मनाते हैं बट उनका खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकता, बिकॉज जो देखने मिला वो इतना कूल है क्या ही बताऊं। एक तो आइस एम्प्रेस का बीस्ट बॉडी अपीयर हुआ योहाओ के पीछे और आइस एम्प्रेस योहाओ ने जो किया पूरा क्लोजियम को ही जमा दिया, इवन उनका रूम तक इसका असर चला गया, एंड हम एज यूजुअल उनके सामने वाला बुराव को देखते हैं जो योहाओ के इस पावर पर थोड़ा रिएक्ट तो दिया, खैर वो देखते हैं उन्हें आगे क्या ही दिखाते हैं, बट कोलोसियम पूरा आइस ही आइस हो गया, एंड आइस एम्प्रेस का जो बीस्ट बॉडी पीछे अपीयर हुआ, एंड योहाओ फ्लेम लायन को लिटरली भीगी बिल्ली बना दिया और उसे वापस भेज दिया। एंड उसके बाद डाया हुआ बिन का रिएक्शन आता है, योहाओ ने तो हाथ भी नहीं लगाया
पर फ्लेम लायन को डरा के भगा दिया और सोच में पड़ जाते हैं हाउ उसके पास तो 10 ईयर का ही सोल रिंग है। फिर आते हैं फनी पार्ट यानी टियानमिंग, बिकॉज साला वो हाथ धो के आइस एम्प्रेस के पीछे पड़ता है, जहाँ आइस एम्प्रेस उसे कहता है मुझे हाथ लगाने भी की जरूरत नहीं ऐसे 1000 ईयर ओल्ड स्प्रिट बीस्ट को औकात दिखाने में। और तभी टियानमिंग कहता है बिंग तुम थक गई होगी, चलो मैं मसाज कर देता हूँ। भाई आइस एम्प्रेस इतना गुस्सा होते हैं जो देख के योहाओ रिएक्ट करता है, ब्रदर टियानमिंग चालू हो गया। एंड तभी टाइम आता है योहाओ का पॉइंट्स का, जहाँ बीस्ट किंग उसका पॉइंट्स अनाउंस करते हैं पूरा 150, बिकॉज उसने फाइट में जो समझदारी दिखाया बीस्ट को सिर्फ डरा के अपने पावर का सही इस्तेमाल किया जो सबको बहुत पसंद आया। बट डाया हुआ बिंग बहुत ही चलते हैं बिकॉज उन्हें माफी जो मांगना है। एंड कियान कहता है योहाओ ने तो हमारे सोल गाइडिंग ब्रांच का नाम रोशन किया, जहाँ डियानियान का चलता है और वो बोलता है कियान तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो कहाँ रहेगा, जहाँ कियान कहता है कुछ दिनों में तो ये डिसाइड हो ही जाएगा। एंड डियानियान सबका रैंक दिखाता है जो कि आप देख सकते हो, बट टॉप 3 किसने होल्ड किया, पहला योहाओ, दूसरा डाया हुआ बिंग और तीसरा वांग। और अनाउंस होता है जिस जिसने एग्जाम पूरा नहीं कर पाया उनके लिए एक मौका और है, उन्हें 3 दिन के अंदर मेकअप टेस्ट कंप्लीट करना होगा, अगर कोई उसमें भी पास नहीं हो पाया तो उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। उसके बाद टीम डाया हुआ बिन वहां से जाने लगते हैं तो सामने आता है टीम योहाओ, जहां टैंगिया एंड ब्रदर बेबी आता है। एंड वांग उनसे कहता है कहां भागने की सोच रहे हो, और कहता है माफी मांगो जल्दी, जहां काली बिल्ली डाया हुआ बिन को खींचता है और वहां से ले जाने के लिए, पर डाया हुआ बिन कहता है ना मैंने प्रॉमिस किया सो मैं माफी भी मांगूंगा, और वो जमीन पे मुंह लगा के उससे माफी मांग लेता है और कहता है हाँ मैं ही गलत था। तभी योहाओ इमोशनल होता है और कहता है मॉम आप सुन रहे हो ना डाया हुआ बिन ने क्या कहा, और ये बात शुरुआत है मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगा। एंड डाया हुआ बिन बहुत गुस्से में होता है और वो कहीं जाने का सोच रहा है जिनके बारे में वो अपनी टीम को भी नहीं बताता, इवन उनसे ही टीचर से परमिशन लेने भेजता है। एंड फिर देखने को मिलता है मीटिंग हॉल ऑफ सी गॉड पेविलियन, जहाँ प्रेजेंट होता है एक से बढ़कर एक बड़े हस्ती जिन्हें फ्यूचर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, अभी के लिए आप जान लो कि वहाँ सब इकट्ठा हुआ योहाओ के लिए, जो डिबेट वाइस डियन एंड डियनियन के बीच शुरू हुआ था योहाओ को लेकर उसे लेकर एक समाधान चल रहा था। एंड जब डियानियन सबके सामने कहता है योहाओ के पास एक्सट्रीम सोल पावर है तो दोनों डिपार्टमेंट उसे लेकर हल्ला मचा दिया। एंड सोल गाइड और मार्शल सोल दोनों के लिए योहाओ कितना इंपॉर्टेंट है और दोनों को वो चाहिए उसी लेकर लिए ये पूरा बहस होता है। और वहाँ का मुखिया स्टॉप करते हैं और कहता है श्रेक का मोटिव क्या है, तो सभी जवाब देता है प्रिपेयर है मॉन्स्टर, जहाँ वो आदमी कहता है फिर क्यों लड़ रहे हो, अगर उसके पास इतना पोटेंशियल है तो उसे दोनों डिपार्टमेंट में ही डाल दो। चाह सारे लोग कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, चाह वो कहता है मॉन्स्टर वैसे ही पैदा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाय।